हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको आज लाइव दिखाते हुए पढ़ाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्यों हेल्पफुल है। तो हम बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सुनिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक मीठी शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट को तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, फर्स्ट मोनोसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड एंड ट्राइड पॉलीसैकेराइड। फ्रक्टोज फलों से होने वाली एक मीठी शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट की यह विशेषता होती है कि वह हमें तुरंत ऊर्जा देती है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक शर्कराएं और एक अशर्कराएं। शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं एंड जल में विलय तथा क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ओके दोस्तों, दूसरी शर्करा है अशर्कराएं। अशर्कराएं स्वादहीन, जल में अविलय अथवा कोलाइडी विलयन बनाने वाली एक्रिस्टलीय ठोस होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। दोस्तों, फलों में देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट केले में पाई जाती है। यह आपने खूब खाया भी होगा और देखा भी होगा। दोस्तों, यह एक मीठा प्रकार का फल है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसे आप खाने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है और आपने महसूस भी किया होगा कि जल्दी ही पेट भर जाता है और जल्दी खाली हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे भोजन में सबसे जल्दी टूटता है। दोस्तों, और अनाज में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाई जाती है। दोस्तों, और सब्जियों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। आपने देखा होगा, जब भी आप चावल खाते हो, थोड़े से चावल खाने पर ही आपका पेट भर जाता है, लेकिन और आधे घंटे आपने वर्क कर लिया तो जल्दी खाली भी हो जाता है। दोस्तों, आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं प्रोटीन के बारे में। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।